सी सेक्शन का बी सेक्शन के कल क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सी सेक्शन के दो क्वेश्चन कल मैंने आपको करवा दिए थे। अब सी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन बिकॉज आर्स फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस कविता से जो उपमा की जो वर्ड है कौन कौन सी उपमा के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि सबसे पहले लाइक अ स्नेल यानी घेरे की भांति, ये मानव जीवन की जो सेकंड स्टेज है स्कूल बॉय। तो एट अ टाइम ऑफ स्कूल ही वाज वर्किंग अ सॉरी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, सो ही वॉक्स लाइक अ स्नेल ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस टू गो टू स्कूल। और सेकंड स्माइल जो है वो है साइड लाइक अ फर्नेस, यानी बट्टी की भांति आह भरना। तो मानव जीवन की जो थर्ड स्टेज है अलावा, तो इसमें एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को देख करके आहे भरता है, आह निकलती है और वह विरह वेदना के गीत गाता है। और तीसरा है बेल्टेड टाइप की पाइप, ये तीसरी उपमा है, यानी कि उसकी दाढ़ी जो है वो तेंदुए की भांति, यानी कि कॉम्पेनियंस ए सोल्जर विथ एलियोपार्ड बिकॉज ए सोल्जर इज फायर्स क्विक एंड प्रॉम्प्ट लाइक ए लियोपार्ड। तो ये तीन वर्ड थे स्माइल्स के। उसके बाद में डी सेक्शन आता है। डी का पहला है डिस्क्राइब दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल दी सेवन स्टेज ऑफ मेंस लाइफ, यानी कि मानव जीवन की सात अवस्थाएं उन सभी की वास्तविक विशेषता बताते हुए वर्णन के लिए, यानी कि संक्षिप्त में सातों अवस्थाओं का यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो इसके अंदर देखिए डार्विन शेक्सपियर हैज डिस्क्राइब्ड ए मैन्स लाइफ, जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन का वर्णन किया है फ्रॉम एन इन्फेंट एक शिशु से लेकर के टू एन ओल्ड मैन वृद्धावस्था तक, यानी कि एक शिशु अवस्था से वृद्धावस्था तक मानव जीवन की जो सारी अवस्थाएं होती है उनका इसमें जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने उल्लेख किया है इज एन एविडेंस दैट, जिसका एक प्रमाण है कि ही इज मिनट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि वह मानव जीवन का पल पल अवलोकन करने वाला व्यक्ति है, यानी कि मानव जीवन की हर तरीके से हर गतिविधि का उसने अवलोकन किया है। He has realistically उसने वास्तविकता से पोर्ट्रेट इन चित्रण किया है द ट्राई एंड हेल्पलेस स्टेट ऑफ एन इन्फेंट, कि जिस तरीके से एक शिशु जो होता है नवजात बच्चा होता है वो किस प्रकार असहाय होता है रोता है और उल्टी करता है इन एज मैस आर अपनी दाई की गोद में। उसके बाद में दूसरी अवस्था है ए स्कूल बॉयज अनविलिंगनेस टू गो टू स्कूल, कि एक स्कूली बच्चा जो है वह विद्यालय जाने का अनिच्छुक है, उसका भी उसने उल्लेख किया है। ए लवर्स इन पेशेंस एंड साइन, और एक जो प्रेमी है उसकी अधीनता और उसकी आहें भरना, उसका भी उल्लेख किया है। बेगर एंगर एंड एपीजी वर्ड्स ऑफ दिस सोल्जर, और एक सैनिक की गाली देने की भाषा गुस्सा और चुस्ती उसका वर्णन, वाइज मैचिंग्स ऑफ ए जज, और एक न्यायाधीश की बुद्धिमानी की उदाहरण देते हुए या कहावतें कहते हुए किसी केस का निर्णय लेना,
लूज डाउचर्स या डिफरेंट पिकल्स, लूज डाउचर्स यानी नीला डाला पतलून और चश्मा, ये होती है छठी अवस्था पेंटेलून की। एंड डिमाइजिंग सेंस ऑफ एन ओल्ड मैन, डिमाइज मैं समझ होता है मृत्यु होना, तो मृत्यु का यह बोध हो जाता है उसी स्थिति में भी मानव जीवन की इसने इसकी तुलना की। इस प्रकार से उसने ये मानव जीवन की जो सात अवस्थाएं होती है उसका से ने टीचर्स बताया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है डी का, पिक आउट द यूज ऑफ मेटाफर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट या पाठ्य पुस्तक से जो इस पोएम में मेटाफर्स हुए हैं यानी जो रूपक आए उसके बारे में, तो रूपक कौन कौन से आए, एक तो है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज कि सारा संसार एक मंच है, और ऑल द मैन एंड वुमन मैरिली प्लेयर्स और सारे आदमी और औरतें जो है वो सीखा है नाटककार है वो भूमिका निभाने वाले हैं। उसके बाद में डी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए वैचुअल व्यू ऑफ लाइफ, कि ये कविता जो है जीवन के परिपक्व दृष्टिकोण का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करती है, उसका नेतृत्व करती है। तो इसके अंदर देखिएगा द पोएम रिप्रेजेंट्स अ मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ बाय कंपेयरिंग मैन्स लाइफ टू ए ड्रामा एंड द वर्ल्ड टू ए स्टेज, यानी कि ये कविता जो है मानव जीवन के परिपक्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी तुलना यानी कंपेयरिंग मैन्स लाइफ यानी मानव जीवन की तुलना करते हुए टू ए ड्रामा एक नाटक से एंड द वर्ल्ड और संसार की, मानव जीवन की तुलना किससे की है, एक ड्रामे से की है, और संसार की तुलना किससे की है, मंच से की है, स्टेज से की है, वेयर मैन एंड वुमन जहां आदमी और औरतें सिंपलिका मैट्री द रोल्स फिक्स्ड फॉर देम और उनके जो भूमिकाएं निश्चित होती है उन भूमिकाओं को निभाते, जस्ट एज एक्टर्स जिस प्रकार अभिनेता लोग जो है ड्रामे के अंदर प्रवेश करते हैं मतलब ड्रामा करने के लिए मंच पर आते हैं और ड्रामे की प्रस्तुति देते हैं एंड लीव द स्टेज और वह उस मंच को छोड़ देते हैं आफ्टर देयर परफॉर्मेंस अपनी प्रस्तुति देने के पश्चात। उसी तरीके से इन द सेम वे मैन आर बॉर्न एंड डाई, आदमी जिनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर प्लेइंग रोल्स भूमिकाएं निभाती है, जिस प्रकार एक एक्टर होता है मंच पर आता है ड्रामा शुरू करता है और ड्रामे की जब प्रस्तुति समाप्त हो जाती है तो वहां मंच छोड़ करके चला जाता है, उसी तरह मानव जीवन भी वह संसार के मंच पर आता है और विभिन्न प्रकार के ड्रामों में यानी कि विभिन्न प्रकार की जो उसकी भूमिकाएं होती है उन भूमिकाओं का परफॉर्मेंस देकर के उनकी प्रस्तुति देकर के, जैसे कि एनिमेंट के ऊपर उसकी क्या प्रस्तुति होती है, उसके बाद स्कूल वर्क के ऊपर उसकी क्या प्रस्तुति होती है, उसके बाद लवर सोल्जर जस्टिस पेंटेलोन एंड द ओल्ड मैन, ये सात अवस्थाएं होती है। इन सात अवस्थाओं में उसकी जो भूमिका होती है भूमिका और निर्माण के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय स्लीपर्ड पेंटेलोन, यानी स्लीपर्ड पेंटेलोन इसका क्या तात्पर्य है, स्लीपर्ड पेंटेलोन का मतलब होता है स्लीपर पर जो चप्पल पहनते हैं पेंटेलोन, कॉमिक कैरेक्टर है ये हास्य चरित्र विदुषा पेंटेलोन इज ए कॉमिक कैरेक्टर ऑफ इटालियन स्टेट, यानी पेंटेलोन जो है वो इटली का जो मंच है उसका एक हास्यात्मक पात्र है विथ लूज फिटिंग ट्राउजर मेरे नीला नीला पतलून पहने हुए, ही इज एन ओल्ड मैन वो एक बूढ़ा आदमी है हु मेक्स अदर्स लाफ जो दूसरों को हंसाता है विथ हिज अनयूजुअल ड्रेस अभी ऐसो हरी पोशाक से स्पेक्टेकल्स चश्मे एंड स्लीपर्स और चप्पल पहने हुए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज मीन बाय स्लीपर पेंटेलोन, और ये क्वेश्चन ये How does the poem represent a mature view of life? तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन में से पढ़ लें, बाकी जो क्वेश्चन है कर लेते हैं।